सुप्रभात बच्चों, मैं प्रेमा पानो, आपके शारीरिक आचार्य। आज आपको एथलेटिक के बारे में बताऊंगी कि एथलेटिक में कौन कौन सी स्पर्धाएं होती हैं, किस तरीके से एथलेटिक को हम उसके बारे में आज जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसके इतिहास के बारे में पता कर लें कि एथलेटिक की शुरुआत कैसे हुई थी। तो बच्चों, एथलेटिक शब्द यूनानी भाषा के एथलॉन शब्द से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ प्रतियोगिता या स्पर्धा यानी कि कॉन्टेस्ट। कोई भी किसी भी प्रकार की प्रतियोगिता कराना, किसी भी प्रकार की स्पर्धा करवाना, किसी भी प्रकार का कॉन्टेस्ट करवाना, वो एथलेटिक शब्द के अंतर्गत आता है। और एथलीट किसे कहते हैं? एथलीट जो व्यक्ति शारीरिक क्रियाओं से संबंधित स्पर्धाओं या प्रतियोगिताओं में भाग लेता हो, उसे एथलीट कहते हैं। यानी कि किसी भी फिजिकल एक्टिविटीज़ में जो बच्चा फिजिकली इन्वॉल्व होता है और कंपटीशन में भाग लेता है, वो एथलीट कहलाता है। पुराने समय में यूनान में एथलेटिक्स बहुत कम यूज़ करते थे, एथलेटिक शब्द का प्रयोग बहुत कम किया जाता था, बल्कि इन क्रियाओं को ट्रैक एंड फील्ड्स नाम से पुकारा जाता था। ठीक है, वास्तव में 12वीं शताब्दी में इंग्लैंड में ट्रैक एंड फील्ड का नाम बदलकर इंग्लैंड ने एथलेटिक्स रखा। उसी समय से ये नाम फेमस हो गया, उसी समय से ये नाम प्रसिद्ध हो गया, उसी टाइम से इसको ट्रैक एंड फील्ड के कहा जाने लगा और एथलेटिक्स शब्द पर्याप्त विख्यात हो गया। अब देखना ये चार्ट देखिए आप, इसमें एथलेटिक दिया हुआ है और इसमें ट्रैक स्पर्धाएँ, फील्ड स्पर्धाएँ ये दिया है। तो एथलेटिक्स को हम दो प्रकार के इवेंट्स में बांट सकते हैं। नंबर वन ट्रैक इवेंट्स, नंबर टू फील्ड इवेंट्स। अब देखिए ट्रैक इवेंट्स में ये आपका जो इसमें ग्राफ बनाया हुआ है, इसमें भी आपको पूरा दिख रहा होगा। ट्रैक इवेंट्स में जो होती हैं, इसमें सामान्य दौड़ें, रिले, बाधा, मैराथन, इस प्रकार की दौड़ें जितने भी होती हैं वो ट्रैक इवेंट्स में आती हैं। और दौड़ों में भी कई प्रकार की दौड़ें होती हैं, जैसे तेज़ गति की दौड़ें यानी कि स्प्रिंट रेसेस, वो होती हैं 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर और 800 मीटर। ये दौड़ें स्प्रिंट रेसेस कहलाती हैं, यानी कि तेज़ गति की दौड़ें कहलाती हैं। फिर दूसरे नंबर पर आती हैं ट्रैक इवेंट्स में मध्यम दूरी की दौड़ें, यानी कि मिडल डिस्टेंस रनिंग, उसमें 800 मीटर और 1500 मीटर की दौड़ें आती हैं। तीसरे में आती है लंबी दूरी की दौड़ें, यानी कि लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस। इसमें लॉन्ग डिस्टेंस में 3000 किलोमीटर, 5000 किलोमीटर, 10000 मीटर मैराथन दौड़, 42.195 किलोमीटर मैराथन, 20 किलोमीटर पैदल चाल, 50 किलोमीटर पैदल चाल, इस तरीके की दौड़ें लंबी दूरी की दौड़ों में आती हैं। फिर आता है हर्डल। हर्डल 100 मीटर, 110 मीटर और 400 मीटर हर्डल, वो भी ट्रैक इवेंट्स में ही आता है। उसके बाद है रिले दौड़ें। रिले एथलेटिक का सबसे अच्छा इवेंट माना जाता है। इसमें पूरे एथलेटिक के जो इवेंट्स होते हैं उसकी जान होती है और सारा हुजूम जो लगता है, सारा जो चाम होता है उस जो चैम्पियनशिप बनती है क्षेत्र की या स्कूल्स की या डिस्ट्रिक्ट्स की, वो इन्हीं पे बेस्ड होती हैं। इसलिए रिले दौड़ बड़ा ही प्रमुख इवेंट माना जाता है एथलेटिक में। इसमें 4x100 मीटर रिले और 4x400 मीटर रिले होती हैं। इसके बाद आता है ट्रैक इवेंट में स्टेपल चेज दौड़ें। ये स्टेपल चेज 3000 मीटर की स्टेपल चेज होती है। इसके बाद आता है देखिए, इस मैंने इस चित्र के माध्यम से भी आपको दिखाया है, अभी तक जो बता रही थी वो ट्रैक इवेंट्स थे, अब जो मैं आपको बताऊँगी वो फील्ड इवेंट्स हैं। ठीक है बच्चों,